टूर्नामेंट में राजस्थान की पहली हार और राजस्थान गुजरात का मुकाबला खेला गया कल। और पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान ने देखा कि 180 प्लस का टोटल यहाँ पे बनाया और संजू का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा था। और राजस्थान की साइड से हम बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा जो है उन्होंने यहाँ पे टोटल खड़ा करने में उनका योगदान रहा यहाँ पे। एंड अगेन अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए शायद से उनका ही नाम ज़्यादा लिया जाएगा अगर एज ए विकेट कीपर किसी को जाना है यहाँ पे, तो फर्स्ट चॉइस वही होंगे। क्योंकि संजू का पहले देखा जाता था हमको कि पहले टूर्नामेंट में वो 3-4 मैचों में रन बनाते थे बट कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी, बट हमको देखने को मिल रहा है कि वो कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं एंड येट अगेन वो परफॉर्मेंस कर करके दे रहे हैं यहाँ पे। रियान पराग ने काफ़ी अच्छा खेला, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका भी देखने को मिला हमें, काफ़ी शानदार इनिंग उनकी भी थी। हालांकि वो आउट होकर चलते बने यहाँ पे, अगर वो थोड़ा और खेलते यहाँ पे टोटल थोड़ा ज़्यादा ओवर होता हमको देखने को मिलता। एंड वही हमको बाद में आखिरी ओवर में देखने को मिला कि जो टोटल था वो थोड़ा शॉर्ट पड़ गया, क्योंकि आखिरी ओवर में आकर के गुजरात ने इसको चेस किया। और गुजरात से चेस करने में भी आप देखेंगे किस किस ने इसको चेस किया है, तो राशिद खान एंड में खेल रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने इजीली आप बोल सकते हैं कि वो लास्ट बॉल में चौका मारा और यहाँ पे जीत होती है उनकी। एक बॉल में 2 रन ही चाहिए थे शायद से, और सिर्फ आप बोल सकते हैं कि जो गुजरात जो है मतलब कहीं ना कहीं अपनी जो फिनिशिंग जो है उनके पास में, टीम के पास में जो गुजरात के पास में जो एंड में जो फिनिशर्स हैं, चाहे वो राशिद खान हो या फिर तिब्बतिया हो, तो आज उन्होंने डिलीवर करके दिया है। क्योंकि गुजरात का जो आप बोल सकते हैं मिडिल ऑर्डर जो है वो अब इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं करके दे रहा है। हालांकि आज शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छे रन बनाए, शुभमन गिल का हम देख सकते हैं कि जो कप्तानी पारी उन्होंने खेली है वो उनके साइड से भी यही था कि रियान पराग जिस तरीके से आउट हुए जिस मोमेंट पे, वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा और लिफ्ट होता मतलब कि राजस्थान का बोल सकते हैं स्कोर, और वही हमको देखने को मिला गुजरात की साइड से। अगर शुभमन अगर ये मैच मतलब कि आप बोल सकते हैं कि अगर गुजरात हारती सारा का सारा ब्लेम शुभमन गिल के ऊपर आता, क्योंकि उन्होंने मैच वहाँ पे फिनिश नहीं किया था और यूजी चहल को मतलब कि अपना विकेट देकर चलते बने वो स्टेप अप किया उन्होंने स्टंप बोल्ड हुए वो। बाकी आप देख सकते हैं कि जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके अभिनव मनोहर हो गए या फिर विजय शंकर हो गए, वो मतलब किस तरीके से डिलीवर नहीं कर रहे हैं अभी। और अभी उनको एंड में उनके पास ये अच्छा है कि राहुल तिब्बतिया हैं, अच्छा प्रोस्पेक्ट है उनके पास में, उन्होंने काफ़ी शानदार रन भी बनाए, हालांकि वो आखिरी ओवर में रन लेने के चक्कर में आउट होते चलते बने यहाँ पे। बट वही था कि जिस तरीके से राशिद खान के एबिलिटी है हिटिंग करने की, बिग बैश में हमने देखा है, आईपीएल में भी टाइम एंड टाइम अगेन हमने देखा है कि वो इस तरीके से रन बनाते हैं यहाँ पे, और वही चीज़ हमको देखने को मिली कि उन्होंने लास्ट ओवर में चौका मार के जिताया यहाँ पे। और जब आवेश खान आ गए थे तब ये लग रहा था सबको कि आवेश खान शायद इसको डिफेंड कर पाएंगे, उनको टाइम एंड अगेन वही चीज़ें वापस उनके साथ में रिपीट हो रही है, क्योंकि उनको उतना शायद से अभी बॉलिंग का या फिर लास्ट ओवर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलता हमें। हालांकि कुछ बॉलर्स थे जिनका चांस मिल सकता था, उनको चांस दे सकते थे संजू, बट उन्होंने आवेश को बैक किया। हालांकि बैक करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनको इस सिचुएशन का आगे सामना करना पड़ेगा उसका, तो वो एक चीज़ है। बाकी कुलदीप सैन ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी राजस्थान के साइड से, उन्होंने 3 विकेट भी लिए, शुरुआती 3 विकेट उन्होंने लिए यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा स्पेल उनको देखने को मिला उनका। पहले 2 ओवर में 7 रन ही दिए थे उन्होंने यहाँ पे बोल सकते हैं, और अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने। यूजी चहल ने काफ़ी अच्छा कमबैक करवाया अपनी टीम का, 2 विकेट उन्होंने लिए, काफ़ी शानदार बॉलिंग उनके साइड से देखने को मिली हमें। बट वही एक राजस्थान अब पहला मुकाबला अपना हारी है, गुजरात ने 2 पॉइंट लिए यहाँ पे, आखिरी तक जीती उनकी टीम आखिरी ओवर में आकर के, और गुजरात के हाथ से रहा हालांकि मैच चला गया था कुछ इस तरीके से। उनकी टीम इतना बढ़िया मतलब आप बोल सकते हैं बैटिंग वाइज उनका मिडिल ऑर्डर इस तरीके से नहीं खेला, बट फिनिशिंग में था उनके पास में जो मतलब उनकी टीम से उम्मीद की जा रही थी वो उन्होंने डिलीवर करके दिया यहाँ पे। और राजस्थान के लिए यही था कि बस उनकी बॉलिंग में थोड़ा बहुत उनको और ध्यान देना पड़ेगा, और उसके अलावा तो आप बोल सकते हैं कि जो आवेश खान जब बॉलिंग करने आए तो हम मोस्टली सब लोगों ने शायद प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि यहाँ पे जो है शायद इसको डिफेंड कर पाएंगे वो, और पिछले कुछ मैचों में भी ऐसा हुआ है कि वो डिफेंड नहीं कर पाए यहाँ पे। और हालांकि उन्होंने एक रन आउट किया अपना टीम के लिए, रन बचाया वो, बट आप बोल सकते हैं कुछ रन शॉर्ट थे, बट वही है कि यही रन आपको डिफेंड करने होते हैं अगर आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं टीम के लिए तो। और राशिद खान सामने थे तो चांस था मतलब आवेश खान के पास में कि वो कहीं ना कहीं जो है उनको आउट कर सकते हैं या फिर वो रन बचा सकते हैं यहाँ पे, बट लास्ट बॉल में 2 रन चाहिए थे, एक शॉट लगता है वो उन्होंने मतलब कोशिश भी करी वाइड रुका डालने की, बट कोई उनको देखने को मिला और उसी पे जो है राशिद खान ने जो है मतलब कि चौका मारा। उन्होंने पहली गेंद पे भी शायद चौका खाया था अपनी, तो फील्डर्स आपने बोल सकते हैं ऊपर ले रखे थे ज़्यादा, तो उस वजह से कहीं ना कहीं उस तरीके की जो उन्होंने छुट्टी होगी बॉल को डाल नहीं पाए यहाँ पे। और ठीक है मतलब राजस्थान अपना पहला मुकाबला हारी है, आज मुकाबला काफ़ी अच्छा है मुंबई और आरसीबी का, उसमें देखते हैं क्या होता है। मैच को लेकर जो भी कमेंट हो, जो भी आपका वीडियो को लेकर कमेंट बताइए। थैंक यू सो मच। जय जय भारत।